इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। श्रीनगर के नतीपुरा में पीडीपी नेता हाजी परवेज के घर पर आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में हाजी परवेज के पीएसओ घायल हो गए। तीन आतंकवादियों ने हमले में 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई है। घायल सुरक्षा कर्मी मंजूर अहमद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर है, श्रीनगर में पीडीपी नेता हाजी परवेज के घर पर आतंकी हमला हुआ है। तीन आतंकियों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की। इसमें हाजी परवेज का पीएसओ घायल हुआ है। मंजूर अहमद पीएसओ का नाम है, जिसे अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आज की ये खबर सबसे बड़ी, श्रीनगर में पीडीपी नेता के घर आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें, सुबह ही पुंछ में 3 आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। 1 आतंकी को जिंदा पकड़ा गया था और ये माना जा रहा था कि डीडीसी चुनाव में रुकावट डालने के मद्देनजर ये आतंकी किसी साजिश को अंजाम देने पहुंचे थे। और अब खबर आ रही है, श्रीनगर में एक आतंकी हमला हुआ है। हमारे सहयोगी श्रीनगर से सीधे आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या अपडेट है? विकास, देखिए, ये हमला जो हुआ है पीडीपी नेता हाजी नजीर है उनके घर पे हुआ है। श्रीनगर के नटीपुरा इलाके में हाजी नजीर के घर पे 2-3 हमलावरों ने आकर फायरिंग कर दी और हाजी नजीर को निशाना बनाकर ये फायरिंग की गई थी, जिसमें उनके एक पीएसओ जिनकी पहचान मंजूर अहमद के तौर पर हुई है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनको तुरंत ही श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर पीएसओ का उपचार चल रहा है। जो पीडीपी नेता है वो इस हमले में बच गए हैं, लेकिन उसके बाद ही तुरंत ही पूरे इस इलाके को घेरे में ले लिया गया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमलावरों के बारे में बताया जा रहा है कि कम से कम 3 हमलावर थे जो इस जगह पे आए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके पीडीपी नेता को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के यहाँ पे प्रेजेंस होने के कारण वो नेता को तो नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन जो पीडीपी नेता के पीएसओ है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इलाके में इस समय तलाशी अभियान चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। आसिफ श्रीनगर से जानकारी दे रहे हैं कि श्रीनगर के नतीपुरा इलाके में पीडीपी नेता हाजी नजीर के घर पर हमला हुआ है। उसमें उनके पीएसओ मंजूर अहमद घायल हुए हैं और उन्हें फिलहाल अस्पताल में ले जाया गया है। आतंकियों की घेराबंदी की जा रही है, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है।